सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका नारायणी ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जूसी से चिकन मोमोज, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मोमोज की रेसिपी शेयर करने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमोज बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कप मैदा लेंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे, चिकन का कीमा मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम, और प्याज लेंगे। प्याज क्योंकि मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 2 लिए हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। अब सबसे पहले मैदे का डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ, क्योंकि हमें इसका डो ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदते रहेंगे। अगर एक साथ ही पानी डाल देंगे तो इसका डो ज़्यादा गीला हो जाएगा, और हमें इसका जो डो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, न ज़्यादा हार्ड रखना है, इसको हमें मीडियम में रखना है। अब हमारा डो रेडी हो चुका है, तो इसको हम इस बर्तन में डाल के 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। तब तक हम अपने मोमोज की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है चिकन का कीमा, यह है 400 ग्राम जिसको मैंने धो के रखा था। उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। प्याज और रिफाइंड ऑयल डालने से आपका जो मोमोज है वो बहुत ही जूसी बनता है। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसके बाद डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने डो में नमक नहीं डाला था इसलिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं, मोमोज का मसाला डाल सकते हैं जो आजकल दुकानों में ईजिली अवेलेबल होता है। और मोमोज को हम स्पाइसी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसको हम स्पाइसी चटनी के साथ खाते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच अजीनोमोटो। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अजीनोमोटो से जो मीट होता है वो थोड़ा गल जाता है। फिर इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। अब जो हमने डो बना के रखा था उसको हम एक बार फिर से गूंद लेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे गोले बनाना शुरू करेंगे। मोमोज का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े मोमोज बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतने साइज के गोले बनाए हैं। अगर आपको छोटे मोमोज बनाने हैं तो आप इसे थोड़ा छोटा साइज रखिए। सारे गोले बना के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको पतला पतला बेलेंगे। इसको बेलने से पहले हम मैदे से थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे, ताकि इसमें हमारा जो डो है वो चिपके ना। और बेलते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें बीच से ज़्यादा पतला नहीं करना है, साइड साइड से इसको पतला रखना है, और बीच से इसको हल्का सा मोटा रखना होगा, ताकि जो हमारे मोमोज हैं वो बीच से फटे ना। ये देखिए हमने बेल लिया है, बाकी भी हमें इसी तरीके से बेलने हैं। सारा जो डो था उसको हमने बेल के रख लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। अब इसमें स्टफिंग भर के इसको शेप किस तरीके से देना है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। धीरे धीरे से सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमको इसमें स्टफिंग भर लेना है। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से हाथ से पकड़ के आपको एक तरफ से अपने अंगूठे से इसको पकड़ना है, और दूसरी तरफ से इसको फिंगर से पुश करते जाना है और इसको दबाते जाना है। ये हमारा एक शेप था। इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके का शेप बनाना सिखाऊंगी। अब दूसरे तरीके से बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। पहले हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग भरने के बाद जैसे हमने पहले किया था सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसको फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद इसके जो एंड हैं उसको हम अच्छे से दबा लेंगे, ताकि अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, उन दोनों को हम एक साथ चिपका लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये है आपका दूसरे तरीके का शेप। आपको जो शेप इजी लग रहा है आप उस शेप में बना सकते हैं।
इसके बाद हमने मोमोज का बर्तन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसका जो सबसे नीचे वाला बर्तन है उसमें हम पानी रख देंगे उबालने के लिए, और इससे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें हम तेल लगा के रख देंगे ताकि जो हम उसमें मोमोज रखें तो वो चिपके ना। इसके बाद हम इस बर्तन को ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मोमोज डालना शुरू करेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो हम अपने मोमोज डालना इसमें शुरू करेंगे। इस बर्तन को आप अच्छे से तेल लगा लीजिए ताकि इसमें मोमोज चिपके ना। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के कम 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपने मोमोज को चेक कर लेंगे कि वो पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारे मोमोज जो हैं वो पक्के तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम निकालना शुरू करेंगे। लीजिए, तैयार हैं हमारे जूसी से चिकन मोमोज। खाइए और इन्जॉय करिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।